Hello students, so in this video today I'm going to explain or discuss about antonyms. ठीक है, एंटोनिम्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में. सो क्या होता है एंटोनिम्स? देखिए, एंटोनिम्स आर द वर्ड्स दैट हैव ऑपोजिट मीनिंग्स. ठीक है, बेसिकली जो है ऑपोजिट वर्ड्स को जो है एंटोनिम्स बोलते हैं. ठीक है, सो हियर आर सम ऑपोजिट वर्ड्स. ठीक है, देखिए पहला क्या है, एब्सेंस. एब्सेंस मतलब क्या होता है? एब्सेंस मतलब अनुपस्थित होना, और प्रेजेंस मतलब उपस्थित होना. अलाइव मतलब जीवित, और डेड मतलब मृत. एडमिट मतलब किसी चीज़ को स्वीकार करना. ठीक है, और डिनाई मतलब किसी चीज़ को न मानना. अस्लीप मतलब सोए हुए. अवेक मतलब जागे हुए. अग्री मतलब सहमत. डिसएग्री मतलब असहमत. अग्री मतलब किसी चीज़ को मतलब मानना, और डिसएग्री मतलब नहीं मानना. ओके, फ्रेंड मतलब आपको पता ही क्या होता है, दोस्त. एंड एनिमी मतलब दुश्मन. ऑलवेज मतलब हमेशा, और नेवर मतलब कभी नहीं. आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल मतलब नकली, और नेचुरल मतलब जो कि प्राकृतिक तरीके से. आर्टिफिशियल मतलब नकली, और नेचुरल मतलब प्राकृतिक. बिलो मतलब नीचे, अबव मतलब ऊपर. ब्लेस मतलब क्या होगा? वरदान. और कर्स मतलब अभिशाप. बिल्ड मतलब किसी चीज़ का निर्माण. डिस्ट्रॉय मतलब किसी चीज़ को मिटा देना. ठीक है, नष्ट कर देना. ब्लंट का मतलब होता है नुकीला ना होना. ठीक है, जैसे ये पेंसिल देखिए, ये पेंसिल क्या है, इसकी एजेस जो है वो क्या है, ब्लंट है. ठीक है, और शार्प मतलब धारदार. तो मोस्टली शार्प मतलब क्या होता है, तेज़ नुकीला या धारदार जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं शार्प. बेसिकली मतलब कोई चाकू होती है जो कि बिल्कुल बहुत तेज़ होती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ शार्प नाइफ. ठीक है, वैसे ही ब्लंट मतलब जो बिल्कुल भी कटने लायक ना हो, बिल्कुल भी तेज़ ना हो, उसको बोलते हैं ब्लंट. ठीक है, ओके, होप आपको समझ में आया होगा. इसी तरह देखिए, अटैक मतलब क्या होता है, आक्रमण करना. डिफेंड मतलब क्या होता है, रक्षा करना. चीप मतलब सस्ती, और एक्सपेंसिव मतलब महंगी. एंशियंट मतलब क्या होता है, एंशियंट मतलब होता है पुराना, प्राचीन. और मॉडर्न मतलब क्या होता है, आधुनिक. फिर क्या है, फिर है बिटर मतलब क्या होता है, कड़वा. स्वीट मतलब मीठा. कड़वा का ऑपोजिट क्या होगा, मीठा. डीप मतलब गहरा. शैलो मतलब उथला मतलब कम, थोड़ा सा ये जो चीज़ रहता है, जैसे नदी में पानी क्या होता है, बहुत गहरा होता है, बहुत सारा पानी होता है तो बहुत गहरा होता है. और वही किसी गड्ढे में जो पानी होता है वो क्या होता है, शैलो वाटर होता है, थोड़ा सा ही पानी होता है उसमें. तो डीप और शैलो, समझ में आया हो, आपको समझ में आया होगा. डिसअपीयर मतलब क्या होता है, प्रकट होना. ठीक है, नज़र आना कोई चीज़. डिसअपीयर मतलब होता है गायब होना, कोई चीज़ ओझल होना या गायब होना. ठीक है, अपीयर मतलब प्रकट होना. डिसअपीयर मतलब गायब होना, और अपीयर मतलब प्रकट होना. डस्क मतलब क्या होता है, शाम को मतलब सनसेट होने के बाद का जो टाइम होता है ना, उसको बोलते हैं डस्क. ठीक है, और डॉन मतलब क्या होता है, भोर के टाइम को बोलते हैं, जब सूरज उगने से पहले का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं डॉन. डस्क बोलते हैं सनसेट के बाद का टाइम, और डॉन मतलब सनराइज के पहले का टाइम. ओके, समझ में आया. और एक्सपेंड, किसी चीज़ का विस्तार करना, किसी चीज़ को खींच के बड़ा करना, या बड़े करने को, मोस्टली बेसिकली बड़े करने को क्या बोलते हैं, एक्सपेंड करना. वही कंप्रेस मतलब सिकुड़, मतलब छोटा कर देना या सिकुड़ना, उसको बोलते हैं कंप्रेस. ठीक है, होप आपको समझ में आया कि एंटोनिम्स किसको बोलते हैं. बेसिकली जो वर्ड होते हैं उसके ऑपोजिट को बोलते हैं एंटोनिम्स. ओके स्टूडेंट्स.